चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम्स। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक सिस्टम के बारे में। मेरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे मैंने इनपुट अप्लाई करा है x ऑफ t और उसी सिस्टम पे मैंने आउटपुट लिया है यहाँ पे y ऑफ t। फिर h ऑफ t जो है सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स। ठीक, अगर आउटपुट y ऑफ t x ऑफ t की सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, इफ आउटपुट y ऑफ t डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट वैल्यू, ठीक, ओनली ऑन प्रेजेंट वैल्यू, तो ऐसे सिस्टम्स को मैं बोलता हूँ स्टैटिक सिस्टम्स। ठीक, दिस सिस्टम्स आर कॉल्ड एज स्टैटिक सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। ठीक, और मेमोरी लेस सिस्टम। पर अगर मेरा आउटपुट जो है वो इनपुट की फ्यूचर वैल्यू या फिर पास्ट वैल्यू, आइदर फ्यूचर और पास्ट वैल्यू के ऊपर भी डिपेंडेंसी देता है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डायनामिक सिस्टम्स और सिस्टम्स विद मेमोरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगर मैं स्टैटिक सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कई बार आप डिफरेंशियल आपकी इक्वेशंस को एनकाउंटर करेंगे। क्लियर, तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एनकाउंटर हो रही है आपके कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में, या फिर डिफरेंस इक्वेशन है ना, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में हम डिफरेंस इक्वेशन बोलते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर डिफरेंस इक्वेशन ऑकर हो रही है तो हमारा सिस्टम होगा डायनामिक सिस्टम। आप बिना देखे उसको बोल सकते हैं इट इज अ डायनामिक सिस्टम। और अगर स्टैटिक सिस्टम का अगर और एग्जांपल देखें, तो आपने एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की अगर मैं बात करूं, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक सिस्टम। ठीक, ये एक स्टैटिक सिस्टम का एग्जांपल है। पर अगर किसी सर्किट के अंदर इंडक्टर या कैपेसिटर अटैच हो गए, ठीक, आइदर इंडक्टर और कैपेसिटर, तो ये सिस्टम हो जाएगा डायनामिक सिस्टम। ठीक, क्योंकि वैल्यू होल्ड करके रखता है। ठीक, उसी तरीके से अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की बात करूं, तो आइदर समर है ना, आइदर समर और एक्यूमुलेटर, अगर समर या फिर एक्यूमुलेटर लगा है क्वेश्चन में, तो वो डायनामिक सिस्टम को बिलोंग करेगा। ठीक, तो आप देखें यहाँ पर दो छोटी सी ट्रिक है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर डिफरेंस इक्वेशन है तो डायरेक्ट डायनामिक, और अगर समर या फिर एक्यूमुलेटर लगाए तो सिस्टम डायनामिक होगा। अगर सर्किट से पता करना है, अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो स्टैटिक सिस्टम होगा, अगर इंडक्टर अटैच है तो डायनामिक सर्किट होगा, डायनामिक सिस्टम होगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके रिजॉल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन, ताकि हमको और अच्छा आइडिया मिलेगा फॉर द स्टैटिक सिस्टम एंड डायनामिक सिस्टम। क्लियर, चलिए फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 को हम चेक करते हैं। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस 3। प्रॉब्लम नंबर 1, y of t is equals to x of t minus 3. t की जगह पर 0 डाल दूं, y of 0 is equals to x of minus 3. Clear? y of 0, अभी आप कहां पर खड़े हैं? y की आप 0 वैल्यू पर खड़े हैं और आउटपुट अभी 0 पर है और इनपुट माइनस 3 पर है। क्लियर, आउटपुट और इनपुट कहां पर है? माइनस, तो प्रीवियस वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंसी दे रहा है। अगर प्रीवियस वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंसी दे रहा है तो सिस्टम कैसा होगा? डायनामिक सिस्टम होगा। क्लियर, सेकंड केस देख लेते हैं। y ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ 2t, अगर y ऑफ 0 डाल रहा हूं तो मुझे मिल रहा है x ऑफ 0, गुड, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंसी दे रहे हैं। पर अगर मैंने y ऑफ 1 डाल दिया तो ये दे देगा x ऑफ 2। क्लियर, तो ये फ्यूचर वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंसी दे रहा है। क्लियर, तो आप देख सकते हैं अगर किसी एक वैल्यू पर भी उसने फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंडेंसी दे दी या फिर पास्ट वैल्यू पर डिपेंडेंसी दे दी, तो वो सिस्टम डायनामिक सिस्टम की कैटेगरी में आएगा। ठीक, पॉइंट नंबर 3, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमको क्लियर कट दिखाई दे रही है और हमको पता है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर डिफरेंस इक्वेशन है तो हमारा सिस्टम डायनामिक सिस्टम की कैटेगरी में आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस 2,
सिमिलरली ये भी आप देख सकते हैं y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू x ऑफ 2 डिस्क्रीट के केस में. अगेन द सिस्टम इज डायनामिक. y ऑफ n इज इक्वल्स टू x स्क्वायर n. तो y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ऑफ 0. यहां पर x स्क्वायर इनपुट है, y आउटपुट है. y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ऑफ 1 एंड y ऑफ -1 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ऑफ -1. अब क्लियरली देख सकते हैं हर बार आउटपुट और इनपुट के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ही डिपेंडेंसी है. तो ऐसे सिस्टम्स होते हैं स्टैटिक सिस्टम्स की कैटेगरी में आते हैं. थैंक यू.